अयोध्या में मैं हूँ और अयोध्या वासियों से बातचीत करूंगी कि राम मंदिर का जो मुद्दा है इस बार के इलेक्शन में कितना मजबूत रहेगा। और ये भी मैं जानूंगी कि यहाँ रुदौली विधानसभा सीट, जो कि मुस्लिम बहुल विधानसभा सीट है, यहाँ से ये जो लोग हैं वो किसको जिता रहे हैं और कौन से विधायक रामचंद्र यादव जी का जो नाम है वो बहुत ज़्यादा प्रचलन में है और वो पिछले बार के विधायक भी रह चुके हैं लेकिन यहाँ के लोग भी उनको पसंद करते हैं। एक और जो मुख्य बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं ये अधिकतर यादव समुदाय से बिलोंग करते हैं, जिनको माना यह जाता है कि वो समाजवादी पार्टी के वोटर्स हैं। लेकिन हम इनसे जानेंगे कि ये समाजवादी को क्यों ना पसंद करके रामचंद्र यादव, जो कि भाजपा के विधायक हैं, उनको क्यों पसंद करते हैं और भाजपा को इनका पसंद करने का मुख्य कारण क्या है। तो आइए चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। नाम जी रामदास यादव। रामदास यादव, इस बार का क्या मुद्दा रहेगा भैया? इस बार का मुद्दा लगभग रामचंद्र यादव जीतेंगे, वो इसलिए जीतेंगे कि इतने साल के बाद में राम मंदिर हमारा बन रहा है अयोध्या जिले में। अच्छा। जहाँ पे श्री राम जन्म का जन्म हुआ है वहीं पे राम मंदिर बन रहा है। तो ये मुद्दा आपके लिए? ये मुद्दा मेरे लिए है। हाँ। और ये जीतेंगे। आप बताइए आपका नाम। जी राम सुफल यादव। ठीक है राम सुफल यादव जी, मुद्दा क्या रहेगा इस बार? मुद्दा बस यही, विधायक जी जो वर्तमान में है ये दोबारा फिर आएंगे। ये दोबारा फिर आएंगे जी। क्या कारण है इनका वापस रिपीट होने का? वापस 112 नंबर तो फिर देर में पहुंचती है, लेकिन अगर कोई अगर घटना घटती है तो तुरंत पहुंचते हैं ये। हाँ। जी मतलब तत्काल प्रभाव से काम करते हैं विधायक। विधायक की एक बहुत अच्छी छवि यहाँ पे जनता के बीच मानी जा रही है। इनका कहना है कि 112 बाद में आती है, पहले विधायक जी आते हैं। और कोई खास बात? जी जी खूबी यही, कई खूबी बता दें। हाँ। कि अगर 10 किलोमीटर की रोड बनती हो। हाँ। पहले 2012 से पहले जो बनी है तो सिर्फ काली से पोती गई है बस। अच्छा। और डामर से। हाँ। लेकिन आज 1 किलोमीटर ये भैया के गांव को जाती है और आपको चलो दिखा दें। हाँ। अगर 1.5 फुट से कम होगी गिट्टी तब बताना, क्योंकि कमीशन बाजी इसमें नहीं है सरकार में। इसमें नहीं है जी। नहीं ठीक, चलिए ये तो एक और मुद्दा हुआ, उधर भी चल के थोड़ा बातचीत करते हैं, थोड़ा इधर भी ले लेते हैं। आपका नाम? राजेश यादव। ठीक है, क्या मुद्दा रहेगा इस बार राजेश यादव? मुद्दा विकास का ही है मैडम जी। और हमारे नेता ऐसे नेता हैं जिन्होंने राजनीति जो बताते थे कि महाराजा महाराजा है जो राजनीति करते थे, उनको सिखा दिया कि राजनीति कैसे होती है। अच्छा। वो लोग घर से नहीं निकलते थे और उसके बाद विधायक जी ने उन लोगों को ऐसे सिखा दिया है कि वो भी अब निकलना सीख गए, कैसे मिला जाता है लोगों से। ठीक, आपका नाम? मेरा नाम जंग बहादुर यादव है। जंग बहादुर यादव जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं, क्या मुद्दा है? इस बार विधायक जी फिर भी विधायक हो गए तीसरी बार। हाँ। और विधायक जी बहुत जमीनी नेता हैं और विधायक जी 24 घंटे में 18 घंटा जनता के बीच में समय देते हैं। ठीक। हाँ, हम लोग यही चाहते हैं कि इन्हीं विधायक जी भी तीसरी बार विधायक फिर हों। तीसरी बार विधायक फिर हूँ। अब चलिए अयोध्या में आए हैं, राम मंदिर का मुद्दा भी पूछ लेते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं उधर इशारा करें कि हमसे भी जरा पूछिए। नाम क्या हुआ बाबा आपका? मेरा नाम है सुग्रीव दास। सुग्रीव दास जी, क्या मुद्दा रहेगा सुग्रीव दास जी इस बार? 900 वर्ष के बाद हमें राम मंदिर मिला है। हाँ। और पहला भारत का प्रधानमंत्री है जो शुद्ध शाकाहारी, ये गौरव की बात है। हाँ। और मेरा योगी जो है ये भी भक्त है शुद्ध शाकाहारी। तो 900 वर्ष जिसके लिए मेरे बुजुर्गों ने संघर्ष किया, ना मालूम कितने बलिदान हुए, वो कितने सुलभता से हम लोगों को प्राप्त हो गया। हम लोग सोचते रहे कि दर्शन ना कर पाऊंगे। अच्छा, किसका? राम मंदिर का दर्शन ना कर पाऊंगे, ऐसे चला जाए। तो सबसे बड़ी सौभाग्य यह है, 432 साल पहले, आप पत्रकार हो, 432 साल पहले अफगानिस्तान में एक मुसलमान नहीं रहा और आज एक हिंदू नहीं। तो सनातन धर्म अगर ना बचे तो संस्कृति लोप हो जाए, फिर यह अफगानिस्तान बन जाए। इसलिए सनातन धर्म को भी ध्यान में देना है, विकास को भी ध्यान देना है। तो इन दोनों मुद्दों का ध्यान में करके, हम ध्यान दे करके हम लोग भाजपा और प्लस रामचंद्र, या जो रामचंद्र तो रामचंद्र है यहाँ के लिए। अच्छा। हाँ, ये जौन है ये शेरे अवध है, अगर जिला में इनका क्यों याद करते हैं तो जैसे बताएं कि 112 बाद मजात है सबके दुख सुख में, सबके दुख सुख में तुरंत अटत है। ये लिए हम लोग सोच रहे हैं कि अब से इनका 1,00,000 वोट से विजयी की जाए। पिछली बार 33,000 वोट से जीते, इस बार सोच रहे हैं 1,00,000 वोट से जे लड़े वह जान जाए कि कैसे जीत क्या होती है। एक मुझे बात बताइए, जब मैं आप लोगों से बात कर रही थी तो आप लोगों ने मुझे एक मुद्दा बताया कि यहाँ पे कामाख्या माता का मंदिर है ना रुदौली में ही, तो वहाँ पे
यहीं से 7 किलोमीटर दूर है और अखिलेश जी ने वहाँ पे आके दर्शन नहीं किया था 2016 में। वो आप लोगों के मन को चुभा और कहीं ना कहीं उनका जो वोट प्रतिशत है वहीं से घटना शुरू हुआ। बताइए पूरी कहानी। पहली बार जब 1000 से विधायक जी जीते रहे चुनाव, 2016 में अखिलेश यादव हुआ हेलीकॉप्टर से वो आए, दूसरी हेलीकॉप्टर से उनकी औरत आई रहा। अच्छा, दोनों जने आए खुद तो दर्शन के ही नहीं बल्कि बैरिकेटिंग लगाए कि 12 घंटा मंदिर पूरी तरह से बंद रहा। अच्छा, वो जब हियाँ उनका देखे और सुने वाले हम ही लोग आए रहन सब क्षेत्र और जमार के, जब गए तो यह चीज़ हम लोगन का बहुत खली बहुत तकलीफ है, चूँकि वो हमारे सबके कुल देवी आए, ये पूरी तहसील के और पूरे जिला के और जिला नहीं बाहर से लोग आते हैं उनका देखे माता जी के, लाठी डंडा से पुलिस मार के खेत दहीस बैरिकेटिंग कर दहीस, उनके कपाट नहीं खोले दहीस, उस दिन सबेरे और संझा के आरती नहीं करे दहीस, यह चीज हियां बहुत चुभी। और उसी के बाद से जो है हिंदू वोटर्स साथ छोड़ने लगे। हाँ, जो 1000 से रामचंद्र यादव जीते रहे, फिर वो जब आए और चले गए तो 33000 से रामचंद्र जीत गए। हाँ, जब मैं मुसलमानों से बात करी थी वो तो कह रहे थे कि सारा तो काम यादवों का ही होता है, हम तो इस बार वोट नहीं देंगे, क्योंकि रुदौली में इस बार ओवैसी आए और उन्होंने रैली भी किया, तो कह रहे हैं कि मुसलमान इस बार हमारा नेता जो है वो ओवैसी है, अखिलेश नहीं है। आप लोग भी हाथ झटक रहे हैं, मुसलमान भी हाथ झटक रहा है, क्या होगा अखिलेश? नहीं, अखिलेश के जमाने में तो यादव के कोनो काम ही नहीं होत रहा, समूला काम तो मुसलमान का ही होत रहा। अच्छा, कुछ एक आध उदाहरण बताइए। अरे बीसन लोग हैं, एक लड़की रही जिसके साथ बलात्कार हुआ और उसके बाद उन्हें के बाप महतारी का रायपुर में बंद कर 3 दिन पुलिस पीटिस। अच्छा। और के बाद अपराधी मुस्लिम निकले और रुश्दी मियाँ के घर से गिरफ्तारी भाई उनका, रुश्दी मियाँ के घर से। हाँ, एक निशाकांत यादव रहा होमगार्ड रहा, दरोगा मुस्लिम रहा, इकबाल अहमद सपा की सरकार में जोतन से वही मोई चौराहा पर मारा गवा। यादव के काम तो समाजवादी में भवे नहीं भवा, यादव के तो हमारे विधानसभा में उत्पीड़न खाली भवा मुसलमान द्वारा। अच्छा, अभी आप जब मैं बात करी थी गुंडई की भी बात बता रहे थे आप कि अखिलेश की सरकार में गुंडई बहुत होती थी, किस तरीके की गुंडई रुदौली में होती? जैसे बहन बिटिया हमार है, बहन जी जाके देख लियो कि वो दशाएं के बाद अपनी बिटिया पढ़ावा नहीं चाहत रहा, चूंकि इनका जहाँ गाँव रहा या आबादी रही उनकी अगर रास्ता रहा तो बहन बिटिया का कमेंट करत रहे, छेड़त छाड़त रहे, हम लोग पुलिस के पास जाई तो कहें भाई मुसलमान आई सरकार में इनके खिलाफ कार्रवाई न कर, ऐसा बोला जाता था। हाँ, कौन बोलता था? दरोगा इंस्पेक्टर जो राहत है थाने में, दरोगा इंस्पेक्टर ये बोलते थे। हाँ, रहे तुम जिनके ऊपर कहत हो वो इस पार्टी के मनाई आए। हाँ, तो तुम सरो तुम्हें का जेल भेज दे भाई, तेरा कहा अपनी बहन बेटी न पढ़ाओ को जरूरी है पढ़ाओ, ऐसा दरोगा बोलते। और कहा ठीक है, उत्पीड़न की और कथा क्या मैं अगर सुनना चाहूँ किसे, आपसे सुनना चाहूँ कि उत्पीड़न किसी ने मास्क नहीं लगाया, भैया आपसे समझदार आप लग रहे हैं मुझे, बताइए क्या उत्पीड़न होता था? जैसे उन्होंने बताया कि अखिलेश की सरकार में बहुत ज्यादा उत्पीड़न होता था लोगों के ऊपर। हम यादव हैं, आप बताइए। हाँ, यादव हैं, आप बताइए, बतावा। ऐसा है कि यादव का तो समाजवादी पार्टी जानते हो छलावा करत रही कि जात बिरादरी हमारा ही हमका वोट दे दिया है। अच्छा, हैं और मुसलमान के काम करत रही। हाँ, और बाकी यादव के नाम पर जानते हो तो वह वोट यादव के लेते रही। अच्छा, हैं यादव के एक भी काम कोई रुदौली क्षेत्र में हुआ हो तो भाई आप लोग भी बताइएगा। हैं एक समय में रुश्दी के समय में एक हरिहरपुर की लड़की मुसलमान ने भगा ले गया है, मुसलमान के पक्ष में फैसला हुआ, यादव को शोषण किया गया है, यक दुल्ला मऊ में लड़की गन्ना में काट डारी गई कबरिया काट डारिन, वह कबरियन के पक्ष में फैसला गवा है। यह इनकी तमाम नज़ीर हैं जो उनकी रुश्दी मियाँ के विधायकी में हियाँ निपटाए गए हैं। अच्छा, ठीक ये तो हुआ। और अखिलेश के बारे में क्या ख्याल है फिर, जैसे आपने कहा कि मुसलमानों का ही वो करते हैं कुछ, हमारा तो कुछ करते हैं फिलहाल। हमारा हाँ। राम मंदिर अतरे दिन के बाद में बन गया। हाँ। तो अखिलेश सब भूलन गया, मैं देश के विकास हमारे अयोध्या जिला के होता है और हमारे यहाँ रामचंद्र के मंदिर बन गवा ना। हाँ। और वही रामचंद्र हमेशा की ताई जानते हो तो विधायक के रूप में रुदौली में उत्पन्न भया है और वही हमेशा रही है। एक चीज़ में यहाँ से ये पूछूंगी, जैसे विपक्ष है और भी कई सारे नेता हैं, अखिलेश जी भी उनके पार्टी के भी लोग ये कहते हैं कि भाजपा के पास और कोई मुद्दा नहीं है, कभी श्री राम के नाम पे चुनाव लड़ेगी तो कभी कृष्ण के नाम पे चुनाव लड़ेगी तो कभी कुछ करेगी। नहीं तो मैडम अब तो श्री राम का मुद्दा खत्म होएगा। अब तो खत्म होएगा, आप कौन श्री राम का मुद्दा रहेगा? अब क्या बचा है? इसको तो भाजपा और कांग्रेस वालों ने जिंदा रखा था, कभी तो ताला तोड़वाते थे, कभी ताला खुलवाते थे, कभी गोली चलवाते थे, कभी लाठी चलवाते थे। अच्छा। अभी तक जिंदा वो उन्होंने रखा था और भाजपा तो खत्म कर दिया।
अब हमारे कामाख्या भवानी के लिए यक्का आस्था है कि सब कुछ संपन्न होएगा, राम मंदिर बन जाए और एक ठोर कोनो बहुत बड़ी बढ़िया फैक्ट्री और कार्यालय जानते हो तो कामाख्या भवानी में बहुत बड़ी जमीन है। अच्छा, एक बात दे दिया जाए और हमारा अयोध्या जिला सुखमय रहे, सबका काम मिल जाए, सबका सबका विकास होता है। जब अखिलेश यादव यहाँ आए 2016 में और उन्होंने कामाख्या देवी का दर्शन नहीं किया, कैसे मन में मतलब आपके भाव आए उस समय? ऐसा है कि यकठौर बुढ़िया रोवत रही कि पुलिस वाले वहाँ के दुकान बंद करा देंदा है, वो बहुत गरीब है, बहुबरे के आए निकट वही वो जिंदा है। अच्छा, और वह नैहरे में रहा थे बेचारी, उनके नान नान लड़का है, वो विधवा है, कौन तिना वह कमा के खवावत रही दुकान व्यवसाय कहके है। वह के रोबे पर बहुत बड़ी वह है कि कम से कम अब बताओ पूरा अब यूपी सरकारें आई रही तब तो जो वह के यह दशा भय है। और यहाँ के क्षेत्र के जानते हो तो डीएम एसडीएम समुल्ली पूरी फोर्स लागिन रही तब तो जो पुलिस उनका डंडा मार के बैठा दहेज बुढ़िया को उत्तर प्रदेश के राजा के सामने तो फिर आगे आस्था का बचबे भाई कि जहाँ कौनी तिन के भला हुए यहाँ वालन के। एक और चीज बताइए, क्या ये जो मुद्दा रहा अखिलेश यादव रहे वो राजनीति के तौर पे कच्चे हो गए इस वजह से, क्या इस बार उनका कोई भी साथ नहीं दे रहा, ना यादव ना मुसलमान कोई भी नहीं, और मुलायम एक बहुत पुख्ता नेता थे कि जब आप सभी लोग उनके साथ खड़े होते थे? ऐसा है कि अखिलेश के साथ है क्यों नहीं है, अब अखिलेश तुमका पठाए हुए तो तुम जाओ। अच्छा, हाँ वो किहिन का है हमारे साथ है, काहे का हम वोट उनका दे दी, जबरदस्ती कहो आवत हो वोट दियो हम उनका नीक कैसे कह दे जब वो नेक नहीं है, तो नेक नहीं है, अब नीक का है कोई काम नहीं, चलवावे डंडा चलवावे दंगा करावे ताजिया का मेला हो, हिंदुओं का रास्ता ही बंद कर दिए, तीन तीन कत्ल ही भय है इनका, उनतर भय रहा जब ताजिया का वो दुर्गा पूजा का वो निकरा रहा है, तमाम हिंदू 50 हिंदू बंद रहे जेल में, आजो बेचारे कुछ जने भाग, मतलब आपका कहना है कि हिंदू उत्पीड़न में था जब अखिलेश की गवर्नमेंट थी, हिंदू कौन काम है कहे, हिंदू का कोई काम नहीं, वो जितना आजम कहत रहे उतना वो करत रहे, वो कौन हिंदू काम के हैं तो उनका वोट दे दिए, वोट की भी आए 4 पता नहीं रहा, अब ट्वीट करत है पेपर में छपत है उनका नाम, अब वहीं तक कहाँ चले गए रहे, हाँ मुलायम सिंह रहे तो वो कुछ मेहनत करत रहे, वो बीच में आवत रहे तो उनका इज्जत हम लोग करत रहे, इनके कौन इज्जत करी। अच्छा, मतलब आप लोग जो है मुलायम सिंह का इज्जत करते थे और का? उनको वोट देते थे? हाँ, मुलायम सिंह का हमेशा इज्जत की ना, उनका हमेशा जितावा गवा, बेनी रहत रहे वो जीतत रहे, मुलायम रहत रहे, मित्र सेन बाबू रहत रहे वो जीतत रहे, ये जब से आए सब गोड़ के बहाय दे, सब गोड़ के बाहर और का, मतलब राजनीति करने का तरीका इनको नहीं मालूम। अरे यार राजनीति पता नहीं किसे ससुर पूछ के करत है, मतलब ये पूछ रहे हैं कि भैया गुरु कौन है, अखिलेश का गुरु कौन है, ये सवाल है। अरे ये के इलेक्शन में इनके गुरु हो जाते हैं वही राहुल गांधी, दूसरे इलेक्शन में मायावती हो जाते, बूढ़ बाप बेचारा घर 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 कांपत जी का हम लोग इज्जत करी तो उसे ही गोड़ धरावत है, अपनी मेहरुआ से उनके गोड़ धरावत है मायावती का, मतलब डिंपल ने जब मायावती का पैर छुआ था बड़ा ठेस पहुंचा था यादव, ठेस न पहुंची बेचारी रोवत रही, हराए देहिन मायावती तो हराइन उनका, कैसे मायावती कैसे, और अरे वोट नहीं देवाई ना अपन मन इस कह देहिन न दे का वोट, यादव आए हमेशा, मतलब बेचारे अखिलेश जो हैं वो फंस गए राजनीति में, उनका हरदाई फंसा लिया, तब क्यों गठबंधन हेरत है, क्यों बड्डे बोझा ला दे हैं, क्यों पट पटक दे हैं वो। अच्छा, इस बार मान लीजिए अखिलेश जो है किसी मुस्लिम समाज से मतलब मान लीजिए वैसे से ही गठबंधन कर लेते हैं, फिर क्या कहेंगे आप लोग? अरे ओबीसी से कह ले तो सत्यानाश हो जाए, जब भूल चूक में मिले तो वह सोहा हो जाए, भूल चूक में मिल जाए भस्मासुर जी के ऊपर हाथ धाई दे हैं सोहा हो जाए। अच्छा हाँ, अच्छा एक और चीज़ मैं आपसे पूछूँ कि आप ही बड़ा उमदा बोल रहे हैं इन सब में, बात खुल करके बोल रहे हैं एकदम, एक और चीज़ परशुराम जी का मंदिर बना देंगे ये सब कर देंगे, कृष्ण जी का भी याद आता है उनको, वो कहते हैं कि हम यादव हैं हमारे कृष्ण हैं और हम करेंगे कृष्ण के लिए, क्या कहिएगा आप क्या उनसे? मथुरा का मंदिर जाए बनवा दें, हाँ का भाजपा अयोध्या बनवा दिए भगवान राम का, वो जाए मथुरा बनवा दें, मायावती चले जाए वहाँ बनारस वाला बनवा दें, उन्हों सबका वोट दे भाई बनवाए तो कहें तो मंच से कि अब हम हुआ के मस्जिद गिरवाए के मंदिर बनवाओ भाई। अच्छा हाँ, नहीं खिसक जाएगा उनका मुसलमानों का जो है कि हाँ, तो वह तो सब दे रहे हैं मुसलमान के अलावा उनके साथ है बचा आपको है, हाँ मुसलमानों सोचते हैं इनके जेसीबी से माटी दे दी हम सेना, हाँ समझ में नहीं आया जेसीबी से माटी दे दी हम सेना, मतलब हम से मतलब मुसलमान आधा से ज्यादा ओबीसी का बलावत है, हाँ। और का सब लड़के उनके फोटो खींचत है, उस दिन आए रहे 25,000 के भीड़ हो गए, सब लड़के लौंडे सब उन्हीं के साथ है ओबीसी के, और का भाजपा का दिन रात गरियावत है सब,
अब अखिलेश का गरियावे लागे अब। अच्छा फिर अखिलेश का क्या समझ में आ रहा है, कुछ एक आध सीट निकाल पाएंगे? लेकिन लोग तो बहुत कह रहे हैं कि टक्कर में है, यादव उनके साथ है, हिंदू उनके साथ है, मुसलमान उनके साथ है, ये सब कह रहे हैं लोग। अब अम्बेडकर नगर, फैजाबाद, बाराबंकी, हियाँ सब हमारे सबका आबादी है, आवाजाही है, तो हियाँ तो एक सीट न पाई है। अब हो सकता दिल्ली उल्ली में या उधर कहूँ पावत हूँ सीट। हाँ दिल्ली में कैसे पई है, दिल्ली में थोड़े थोड़े चुनाव लड़े थे। दिल्ली तक जाऊँ यूपी है कहा कि मतलब उधर हो सका तो उनका ज्यादा वोट हो। हाँ। लेकिन हमारे इधर पूर्वांचल में नहीं है उनके वोट, पूर्वांचल में पसंद नहीं आते। हाँ। अच्छा एक और चीज, जैसे कि राकेश टिकैत का समर्थन कर दिए अखिलेश, फोन आप नहीं किए ना साइलेंट पे? अरे हम कहा क्यों कहा आ जाए। हाँ नहीं कर देते तो मैं अच्छे से बात कर लेती, कर लूँ ठीक है। एक बात बताइए, जैसे अभी अखिलेश जो हैं वो राकेश टिकैत का साथ दे दिए, बोल दिए किसानों के साथ बड़ा बुरा हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए केंद्र सरकार को, बिल्कुल जो है तालिबानी सरकार की तरह, क्योंकि राकेश टिकैत तालिबानी सरकार कह रहे हैं सरकार को, और उसका समर्थन आपके अखिलेश कर रहे हैं, क्या कहिए? उनका नहीं पता है। हाँ। तालिबान में देख लें हवाई जहाज के पहिया पकड़ के मनाई भागा है। हाँ और यहाँ अखिलेश और कांग्रेस 10 साल रह जाए तो हम सबका पहिया पकड़ के भागे पर। ये तो बड़ा गजब स्टेटमेंट दे दिया आपने कि हाँ। अखिलेश और अगर वो रहेगा तो आप भी पहिया पकड़। कांग्रेस 10 साल और रहे तो जैसे हुआ से सब भागे हैं। हाँ। वैसे हिया से हमका सबका भाग गए पहिया पकड़ के हवाई जहाज के, क्या करबे। हाँ। अरे थोड़ा उत्पीड़न हमारे सबका हिया रहा है। हाँ। 25 साल से उत्पीड़न करत है। अच्छा और का दोनों जेबी में टोपी लेके चलत रहे अखिलेश, जाली वाली वो उजर की जौन रहते रहे, ललका ही लगावे लागे। हाँ। जहाँ चार जने देखे हुए बस कहा रोजा अवतारी आए। हाँ। नमाज पढ़ी थे, यू करी थे, याद मतलब हिंदुओं के लिए कोई भावना उनके अंदर नहीं। बस अब जब देखें जोगी और मोदी मतलब हाई है। हाँ। तो अब उन्हों वह टोपी बहाय दे निकाल के ले, जोगी और मोदी हाई भैलन तो अखिलेश जो है टोपी निकाल के बहा दे। एक दिन अब ललका ही पहने लगन, अब ललका ही पहने लगन ठीक। एक और चीज़ है, क्योंकि आपने पुरानी राजनीति से जोड़ा ना कि मुलायम सिंह को वो इज्जत नहीं दे पाए अखिलेश, तो वो आप लोगों के मन को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा, क्या कहना चाहिए? अरे बूढ़ बाप का जे ले जाए के मंच पे खड़ा कह दे। हाँ। अब बुआ बनाए कई जौन बुआ 116 मुकदमा मुलायम सिंह के ऊपर एक रात में ला दे हुए, जे लाठी चलवाए हुए मुलायम सिंह के ऊपर, उनसे कहा कि हमारी बुआ के गोड़ छो तो क्यों लायकदार बेटवा करे। अरे जीते चाहे हार जाए, और तब वो घर भर हार गए। और का मुलायम सिंह रहे तो मुलायम सिंह जनता का करत रहे, किसान का करत रहे, उनके मने इज्जत करत रहा। वो नीकों के हिन कहूँ कहूँ उनसे गलती हो गया अयोध्या मामले में, लेकिन चलो नीक के हो मने माफ कर देत रहा। और तुम तो नीक कहूँ करबा नहीं भाई, सिवाय गलत के, सिवाय गलत के कुछ नहीं। और का लेकिन इस बार देखा ये जा रहा है कि पिता के साथ चाय पी रहे हैं, चाचा के साथ मीटिंग कर रहे हैं अखिलेश, कि कहीं से जो आप लोग इतने नाराज चल रहे हैं, यादव समुदाय के लोग, आप हिंदू समुदाय के लोग नाराज चल रहे हैं, कहीं ना कहीं जाके खुश होता तो चाय पीने से, टेबल पर बैठ के बात करने से, चाचा के साथ बातचीत करने से मान जाएंगे आप लोग? अरे गोड़ छोए से क्यों नहीं माने, तैयार है चाय पानी तो छोड़ दियो ना। और अब वहीं तक चाय उनके साथ है पीन, अब चाय हमारे साथ है पियत है, जरूरत आवा है 15 दिन का काम है तो सोचत है हम चूतिया बना ले भाई। अब हमारा लड़का और लड़की और बहन और बिटिया सबको टच वाला मोबाइल ले है, हुमा देखत है को का करत है की का। आपके पास है टच वाला? हमारे पास नहीं, हमारे बिटिया के लगे, हम हुमा देखत कई मुन्नी लगाओ का, मुन्नी मुन्नी को क्या लगाने के लिए कहते हैं आप? कहते न्यूज चैनल लगाओ, देखिए अखिलेश का बोलत है, मायावती का बोलत है। हाल फिलहाल में क्या बोले हैं अखिलेश जो आप इतना नाराज हो गए? अरे कौन नेक काम बतावत है, कोई सवाल उल्टा कहीं धर्म पे वोट मांगा जाते है। अरे विकास पे जब क्यों बात करे तो तुम्हें कहा हो, अब अभी तक कहा रहे मंदिर न बनवाए पाई है, तारीख न बताए पाई है। अब जब मंदिर बनाई लाग तो अभी कहीं नाम ही नहीं लिया, अब कहा कि मंदिर में हम पूजा करे जावे दोनों पर रानी। अरे जाओ मथुरा में कह आओ, स्वागत है आवे उनका सबका, हम लोग स्वागत करबे, लेकिन मथुरा के बनवा दियो, यदुवंशी आओ तो वहाँ एक इज्जत रख लियो। यदुवंशी है अगर वहाँ पे बना दिए तो कहीं ना कहीं आप लोग फिर कहेंगे कि ठीक हिंदुओं का नेता है। बलदेव प्रसाद, बलदेव प्रसाद जी क्या माहौल लग रहा है अयोध्या में, क्या माहौल है? अयोध्या माहौल बढ़िया है। किसका बढ़िया है? बीजेपी का। बीजेपी का जी, का है बीजेपी का भैया अखिलेश का कहना? अखिलेश का इसने बीजेपी ने बहुत विकास किया है, बीजेपी ने बहुत विकास जी किया जी। अच्छा एक बात बताइए, जब राम जन्मभूमि का फैसला आया ठीक, उसके बाद आप लोगों के मन में क्या ऐसे मतलब भाव आए? बहुत खुशी, बहुत खुशी जी कि अब मंदिर बन जाएगा, विकास हो जाएगा पूरे जिले का। अच्छा जी, कुछ ऐसा विकास जो आपको दिखाई दे रहा हो, समझ में आ रही हो? अब देखिए जैसे विकास तो बहुत, जैसे रोडें बन गई तमाम गांव के। अच्छा अखिलेश के बारे में क्या कहना है? अखिलेश के बारे में हमारा कहना कुछ नहीं है, यहाँ हम बीजेपी के बारे में पूछे मतलब कहने योग्य है ही नहीं? नहीं हम ये नहीं कहते हैं कि योग्य नहीं है। हाँ। लेकिन योग्य हैं बिल्कुल होंगे, लेकिन आपके लिए नहीं जी। आपका नाम? हरिप्रसाद। हरिप्रसाद जी किसका, किसके लिए माहौल अच्छा भी?
बीजेपी का माहौल बढ़िया है, बीजेपी का माहौल जब से आई है 5 साल मतलब 10 साल से विधायक हैं ये 10 साल से विधायक हैं। हिंदू छोटा हो या मुसलमान मतलब कोई भी हो सब मतलब संतुष्ट है उसकी मतलब कोनो कार होते तो जोर से बोलवे नहीं करे एकदम धीरे धीरे बोले नहीं तो मतलब जो उन है उनके कार बढ़िया होते। ठीक, आपका नाम भैया? राम सिंह यादव। ठीक है, राम सिंह यादव जी एक बात बताइए, अखिलेश को वोट नहीं कीजिएगा इस बार? जी नहीं। काहे? हम लोग रामचंद्र यादव के साथ रहते हैं, हरदम उन्हीं के साथ रहे हैं और रहेंगे। रामचंद्र यादव के साथ हैं। अगर वो सपा में होते तो उनको वोट करते? ये चाहे जहाँ रहेंगे हम नहीं वही नहीं। ठीक है, विधायक पसंद है इस वजह से। चलिए ठीक है, ये थी रदौली की जनता जिन्होंने बताया कि वो किस वजह से अखिलेश से नाराज़ हैं और वो कहाँ अपना वोट डालेंगे इस बार और किसको इस बार जिताने वाले हैं। चलिए इसी के साथ धन्यवाद।